मैं शस्त्र पूजा में ओम न लिखता तो मुझे क्या लिखना चाहिए। चुनाव राज्यों के और मुद्दे राष्ट्र के, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? असल में चुनावी जोड़ तोड़, समीकरण, जातीय और मजहबी गोलबंदी के सियासी शोर हर तरफ सुनाई दे रहे हैं और इसी शोर में दब गई है आम लोगों की आवाज। गायब हुए हैं तो आम लोगों के मुद्दे गायब हुए हैं। हाँ, चर्चाएं खूब होती हैं, पक्ष हो विपक्ष हो सभी एक दूसरे पर हमला जरूर करते हैं। विकास के वादे, काम के दावे, सब सुनने सुनाने की बातें हैं, लेकिन अब इस दौर में चुनाव का रंग रूप थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है। राज्यों के मुद्दे जो सबसे पहले होने चाहिए वो गायब हैं। हरियाणा के चुनाव में राफेल की तारीफ की जाती है, महाराष्ट्र में कश्मीर से धारा 370 हटाने के कसीदे कहे जाते हैं। हाँ, बेशक ये अच्छे कदम हैं और देश को मजबूत करने वाले फैसले भी हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि पहला कदम उनकी जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए जिनके सामने आप वादों की झड़ी लगा रहे हैं? ऐसे ही कई सवालों को लेकर R9 टीवी पर आज बहस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, श्वेता भट्टाचार्य। चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी शोर अपने चरम पर है, सियासी सरगर्मी तो जोरों पर है, बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं, लेकिन बयानों में उठ रहे मुद्दों को सुनकर एक सवाल जहन में जरूर खड़ा होता है कि चुनावी प्रचार में क्या राज्यों के मुद्दों को भूलकर पार्टियां अब राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लग गई हैं? जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चुनावी भाषण में राफेल की सवारी करते नजर आए, तो राहुल गांधी ने चुनाव में किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे न उठाना ही सियासी हमले का बहाना बना लिया। अरे मैं पेरिस आया हूं तो फाइटर प्लेन से बड़ा शस्त्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह मिसाइल भी लेकर चलता है, और मिसाइल लेकर चलता है और ऐसा वो प्लेन है, ऐसा फाइटर प्लेन है कि हवा से हवा में मारता है और हवा से जमीन पर भी मारता है। अब इससे बड़ा और कोई हथियार हो नहीं सकता। मोदी जी कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं, कॉर्बेट पार्क की बात होगी, चलो भैया आज 370 की बात करो, चलो भैया आज जम्मू कश्मीर की बात करो। अरे भाई, रोजगार की बात कब करोगे, किसानों की समस्या की बात कब करोगे? हरियाणा और महाराष्ट्र के राज्य स्तर के मुद्दों को पीछे रखते हुए सभी बड़ी पार्टियों के नेता राष्ट्र की बातों को समझाते नजर आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों में आतंकवाद और धारा 370 से राज्य की सियासी बिसात बिछाते नजर आए। आप सबने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, पहले ही सत्र में धारा 370 को हटाकर हमारे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम। जाहिर है मुद्दों से रोजगार, किसान, स्वास्थ्य, सड़क मानो जैसे गायब रहे हैं। चुनाव राज्य के हैं, मुद्दे लोगों की आम जरूरतों से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये सच है कि सरकार ने पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ भी किया वो सराहनीय है। कश्मीर से धारा 370 हटाना, वहाँ इंसाफ दिलाना बेशक काफी बड़ी बात है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जनता के राज्य स्तर के मुद्दों का जिक्र ज्यादा होता तो बात अलग हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। ऐसे में R9 के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। क्या राज्यों के चुनावी मुद्दों से भटक रही हैं पार्टियां? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होंगे सभी चुनाव? क्यों बिजली, पानी, सड़क राज्यों के चुनावी मुद्दों से गायब हैं? 370 और पाकिस्तान क्यों बन गया है चुनावी मुद्दा? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा जो है वो घूमेगी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर नसीम खान, रेणु भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, AK मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है, और दिलबाग नयन प्रवक्ता JJP हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय द्विवेदी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि सत्ता पक्ष तो
रेणु भाटिया जी जवाब आप ही देंगी, ये 370 और पाकिस्तान का मुद्दा क्या छाया रहेगा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, या वहां के जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं उनको भी उठाएगी बीजेपी? देखिए श्वेता, ये बहुत अच्छा सवाल आज आपने अपनी डिबेट में रखा कि ये मुद्दे राष्ट्र हैं या राज्य के हैं। देखिए राष्ट्र में कितने राज्य हैं और वो राज्य सभी हमारे हैं, उन्हीं में हम निवास करते हैं और हर राज्य के बेहतरी की जिम्मेदारी हमारी बनती है। धारा 370 की आप बात करते हैं कि ये मुद्दा राज्यों में लिया जा रहा है, तो क्या हरियाणा राज्य हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी हमारे इस देश का राज्य है, क्या उनमें धारा 370 से रिलेटेड लोग नहीं रहते? आप तो राज्य राष्ट्र की बात करते हैं, विदेशों में धूम देखिए ना धारा 370 की कितनी है। तो आप इसको मुद्दा चुनाव का कहें या इसको राज्य का मुद्दा कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए लोगों के दिलों में कितनी खुशी है, हम लोगों की सुविधाएं कितनी सोच रहे हैं। और जिस क्षेत्र से धारा 370 हटी है, मैं उसी क्षेत्र की बेटी हूं, मैं कश्मीर की बेटी हूं, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस 70 साल के इस जो नासूर जो बना हुआ था हमारे देश में, उससे हमें कितनी खुशी है। इसलिए अपने अपने राज्य के मुद्दों का मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफरेंस है। हम भी धारा 370 हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, इन मुद्दों से हम भटक नहीं रहे, ये मुद्दे हैं और ये बने रहेंगे। लेकिन क्या विधानसभा का चुनाव जब हो रहा है तो हम वहां की जनता, वहां की जरूरत, वहां के क्या क्या स्ट्रैटेजी है, वो डिफरेंट नहीं होगी? क्या हरियाणा में भी धारा 370 हम बोलेंगे और महाराष्ट्र में भी हम धारा 370 बोलेंगे? हरियाणा में किसानों की अभी स्थिति क्या हम बात नहीं करेंगे? बीजेपी का खुद का वादा था मैम कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, कहां दी गई बिजली? पूरे प्रदेश में देखिए, पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश में दी जाती है 24 घंटे बिजली नहीं है मैम, पूरे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, 18 घंटे से ऊपर नहीं है, बताएंगे हमारे आपके पास पता नहीं कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट है। हम तो उसी हरियाणा से आते हैं, घंटे बिजली मिलती है से आते हैं, 18 घंटे बिजली है, केवल उतना कट दिया जाता है जितना उसकी मेंटेनेंस रिपेयर का होता है, अदरवाइज कहीं पर बिजली कट नहीं है। पूरे हरियाणा में टेल तक पानी दिया गया, वो पानी बिजली के जरिए ट्यूबवेल्स के जरिए माध्यम से आता है। को कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और हाँ, लेकर आएंगे हरियाणा में, क्यों नहीं कहां तक पहुंच पाया पीने का पानी, क्यों नहीं कहना चाहिए? हालांकि सरकारी नौकरी देने में थोड़ी सी पारदर्शिता जो कहती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम कहें थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है ये मैं मानूंगी, लेकिन क्राइम रेट अभी भी देखें तो जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आए पिछले 5 सालों में, नशाखोरी देखें जिस तरह से चुनौती बना हुआ है, इस पर बात ही नहीं होती है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं श्वेता कि आपने ये एहसास किया कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बहुत सुधार एक बहुत बड़ा विश्वास था इस जनता का जो हमने जीता, और हमने केवल एक क्षेत्र में नहीं, हमने हर क्षेत्र में ये थोड़ा थोड़ा सुधार करके ही जनता का विश्वास जीता है, और उसी वजह से 75 पार हम आएंगे। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? पूछना चाहूंगा रेणु भाटिया जी से। जी हाँ बिल्कुल आवाज पहुंच रही है कि आप ये बताइए कि आप बात करते हैं कि धारा 370, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप कश्मीर से हैं और धारा 370 हटा दी गई, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या धारा 370 हरियाणा वासियों को खाने के लिए रोटी देगी? क्या क्या धारा 370 रोजगार देगी? क्या धारा 370 खेत में पानी लगाएगी? क्या धारा 370 व्यापारियों के लिए कुछ करेगी? रेणु भाटिया जी, आज हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा का चुनाव होना चाहिए था विकास के मुद्दे पर, आपने कोई भी विकास के मुद्दे पर चुनाव की बात नहीं करी। आपके प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री जी, सेंटर के मंत्री जी यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि हमने धारा 370 खत्म की। देखिए धारा 370 आपने खत्म की, इसका कोई आसान नहीं किया, क्योंकि हरियाणा ने भी आपको 10 सीट दी थी, और 10 सीट इसलिए दी थी कि भी आप देश के लिए कुछ करें, लेकिन हरियाणा में आपने जो बिजली मिलती है। नैन साहब मुझे आप ये बताएं, मुझे नैन साहब मुझे आप ये बताएं कि आप जो बात, नैन साहब सुनिए, आपने मुझसे प्रश्न किया तो आप सुनिए, हरियाणा के अंदर आप थोड़ा सा सुनने का भी रेणु जी, पहले एक मिनट पूरी बात होने दीजिए मेरी, पहले पूरी बात होने दीजिए, सवाल रख ली। आप मुझे बताइए, आप एक ही मुद्दा उठा लीजिए, बिजली का मुद्दा मैं उठा रहा हूँ कि आप बताइए मुझे 22 जिले में कौन सा ऐसा जिला जिसमें आपने 24 घंटे बिजली दी है, बताइए कौन सा जिला है?
एक भी जिला कोई बता दीजिए कि भी वहाँ पे हमारे 24 घंटे बिजली चलती है। पलवल, नू, होडल, हथीन, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नहीं है बिजली? 18 घंटे से ऊपर बिजली है हर जगह पर। नसीम खान, और दूसरी बात, आपने कहा कि धारा 370 से पानी आएगा, बिजली मिलेगी, ये मिलेगा, आपने बहुत लंबी कहानी कर दी। अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र का किसी भी क्षेत्र से सोचा जाए वो हर नागरिक को फायदा देता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जब कश्मीर और फावड़े लेकर गए थे, जब आप सो कॉल्ड इंडियन नेशनल लोकदल थे, उससे क्या जनता को आपने पानी दिया? आपके वो कस्सी और फावड़े जो आप लेकर गए थे नैन साहब, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट दो बार मुझे अब अपनी बात का जवाब दीजिए ना, जो आप लोगों को ठगाने के लिए, जो आप लोगों को दरगलाने के लिए कस्सी फावड़े लेकर गए थे, आप थोड़ा सा बताइए कि वो कहाँ पर है इस समय? आप कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप किन किन नीतियों पर चल रहे हैं, आप किन किन नीतियों पर चल रहे हैं, इस तरह की बात मान लीजिए, आपके ऊपर गोला गिरे उस बात का आपको क्या लगता है? राष्ट्रीय मुद्दे है उठाए जा रहे हैं, और जब आरोप लगती है विपक्षी पार्टियों पर, क्यों विपक्ष का तो रोल होता है? दिलबाग नैन साहब, एक मिनट, नसीम खान से मैं जरा सवाल पूछ लूं कि आखिरकार ये जो विपक्ष का रोल क्या होता है सर, क्या आप मुद्दे नहीं उठाएंगे? अगर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को हथियार बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है तो विपक्ष भी उन्हीं के पीछे चलेगी। गुगली फेंक रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्वेता जी, पहले तो TV9 को बहुत बहुत बधाई, और मैं TV9 को जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन दोनों राज्य के चुनाव में, खासकर पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो और दिगर टेलीविजन चैनल है, समाचार चैनल, जो पूरे दिन राम मंदिर, 370 और लोकल मुद्दों को भटका करके उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं भाजपा की, उससे एक अलग हट करके आपने जो है लोकल मुद्दों की बात की। रही बात इसकी, हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पे काम नहीं किया है, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि चुनाव आ रहे हैं और इन्हें चुनाव जीतने होते हैं, तो 370 और अभी जैसे टेलीविजन पे अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद और मंदिर का मुद्दा चल रहा है। दूसरा, 370 हटा दी, बहुत अच्छा किया आपने। कांग्रेस पार्टी का इसमें सिर्फ एक मतभेद था कि आपने हटाने का तरीका जो है वो गलत था। हटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राज्य, लेकिन आपने कोई लेकिन तरीका क्यों लेकिन ये हरियाणा का चुनाव है, लग रहा था कि ये हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, पूरे 5 साल महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ के किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, हरियाणा के अंदर किसानों को, ये 5 साल तक प्रदर्शन हो रहा है, पहले किस और जो 10 साल इनकी सरकार थी, 10 साल कहां, अगर उठा के देख लीजिए, 13 असेंबली है, आप हरियाणा की बात कर लिए, आपकी बात का हरियाणा में आपकी 10 साल सरकार थी, मुझे आश्चर्य इस बात का, मुझे आश्चर्य ग्राउंड की बात, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आप 5.5 साल मैं भी कोई सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, मैं सवाल का जवाब देने को तैयार, मेरी भाजपा की प्रवक्ता को, मेरी बहन को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ये मोदी जी और अमित शाह की तरह दूसरों की अपने मन की बात सुनाते हैं, आप थोड़ा सुनिए, आपको टाइम मिला था, आपने नैन साहब का भी समय हत्याने की कोशिश की, अब आप मेरे भी अधिकार कर रही है। ये चुनाव लोगों की मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव नहीं है। आप 370 की बात कर चुके थे, आप लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा में 24 घंटे बिजली, आप बिजली के दाम कम किए जाएंगे, समर्थन मूल्य की कीमत दी जाएगी, किसानों की आत्महत्या नहीं होगी। आप 24 घंटे बिजली की बात कर रही है, हरियाणा के अंदर लगे हुए उद्योग 12 घंटे नहीं चल पा रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने क्या बात किया, उत्तर प्रदेश में आपने क्या बात किया, आपने जो केजरीवाल कह रहे थे, आपने बिल आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, 370 के नाम लेते हैं, 370 के मुद्दे पर सारे मुद्दों को छुपाने चल रहे हैं। मैं श्वेता जी, जो केजरीवाल, जिस केजरीवाल का विरोध कर रहे थे दिल्ली में, उन्हीं का फॉर्मूला उठा के चेप दिया, बिल्कुल अपने संकल्प पत्र में उन्हीं चीजों का। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर बीजेपी राष्ट्र मुद्दे उठा रही है, भाई उसके पास प्रॉफिट लेने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ये मुद्दे हैं। आप भी पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं सर, आप उन मुद्दों को इनकैश कराइए ना, जिन मुद्दों को टच नहीं किया गया। आप तो कहते हैं हम फ्री कर देंगे बिजली, आप कहते हैं पहली कलम से हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमपी में तो कर नहीं पाए। श्वेता जी, एमपी, राजस्थान, हर जगह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बैठते ही
किसानों का कर्जा माफ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को 12% और जनता को मेहंदी लगवाती महिलाओं का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, बलात्कार करने का काम किया, इनके पूर्व गृह मंत्री ने किया, इनके विधायक ने एक लड़की का बलात्कार करके जेल में गए, जो प्रियंका गांधी अब आप वही काम कर रहे हैं जो आप रेणु भाटिया को कह रहे नहीं कर रहे। एके मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि ये दो मुद्दे हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए तो शायद वो यूज करें, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की भी हम बात कर ले, अभी मैं जाऊंगी शिवसेना के संजय द्विवेदी भी जुड़े हुए, क्यों मुद्दे नहीं उठ रहे हैं सर, मुद्दे गौण क्यों हो जा रहे हैं और क्यों विपक्ष यहां पर कमजोर हो जा रहा है इन मुद्दों को उठाने में? देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं, हर पार्टी का अपना अपना रणनीति होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बीजेपी को लग रहा है जिसके पास जो है वो वही तो शस्त्र चलाएगा। अगर बीजेपी किसी मुद्दे को हाईलाइट कर रही है तो उन्होंने केयरफुली ये सोचा होगा, रिसर्च किया होगा कि इस मुद्दे का असर होगा, इससे हमें ज्यादा वोट मिलेगा। सेम कंडीशन विपक्ष की है। देखिए अब विपक्ष किन चीजों पर बात कर रहा है, जिन चीजों पर बीजेपी बात कर रही है विपक्ष उसको टच ही नहीं कर रहा है, और जिन चीजों को विपक्ष टच कर रहा है बीजेपी उसके बारे में तनिक भी मुंह नहीं खोल रही है। दोनों पार्टियों की अपनी रणनीति है। देखा यह जाता है कि दोनों पार्टियों के पास है क्या चलाने के लिए, जिनके पास जो है चलाने के लिए वो चला रहे हैं। अल्टीमेटली मैं बताऊंगा, इलेक्शन जो एक महीने डेढ़ महीने की कैंपेनिंग होती है, सारी पार्टियों का फोकस होता है कि हम चुनाव जीते, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। जहां से उनको यह दिखेगा कि हम इस तरीके से जीत सकते हैं वो करेंगे। विपक्ष की अपनी रणनीति है, बीजेपी की अपनी रणनीति है, देखना यह है कि कौन जीतेगा। अगर विपक्ष जीत जाती है तो हम ये बोलेंगे बाद में कि हाँ भाई इनके मुद्दे इफेक्टिव थे, प्रभावी थे, बढ़िया थे, जनता ने एक्सेप्ट किया। आपके मुद्दे कितने भी अच्छे हो लेकिन जनता को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आप हार जाएंगे, आप विपक्ष में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सिंपल सी चीज ये है कि जिसके पास जो चीज है वो दिखा रहा है। बीजेपी अगर लोकल मुद्दों को नहीं उठा रही है तो इसका मतलब है वो ये समझती है कि जो लोकल मुद्दे हैं काम किए या नहीं किए उससे ज्यादा असर पड़ेगा हमारे नेशनल मुद्दों का। विपक्ष अगर लोकल मुद्दे उठा रही है कि ये काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो उसकी मजबूरी ये है कि चूंकि आप सत्ता में हो नहीं तो आप क्या आपने तो काम किया ही नहीं। मुद्दों को जनता के सामने ले नहीं जाए। मैं बिल्कुल बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि एक चुनाव हारने का मतलब स्पेशली विपक्ष के लिए आप बड़े कमजोर हो जाते हो। कमजोर ऐसे हो जाते हो, आपको काम करने का मौका मिलता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास ऑप्शन एक ही रह जाता है कि सत्ता पक्ष में जो है उसको क्रिटिसाइज करें, उसके क्रिटिसिज्म को ही उसका मुद्दा बनाया जाए। अब बीजेपी अगर विपक्ष में होगी तो बीजेपी का भी होगा। दोनों के लिए यहां पे देखने वाली एक बड़ी खास बात है जो मैं देख रहा हूं, ग्रोथ की बातें दोनों पार्टी नहीं कर रही है। जो हार्डकोर ग्रोथ की बातें होती है ना स्टेट या देश के डेवलपमेंट की, वो न पक्ष कर रहा है न विपक्ष। जैसे तो कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा और परिभाषा दोनों अब बदलती जा रही है। इसके पीछे हजारों साल का इतिहास। देखिए मैं बोलता हूं, भारत एक बड़ा भावना प्रधान देश है। आपने देखा होगा तो लोकसभा का इलेक्शन तो इसी पे लड़ा बीजेपी ने। नहीं, इससे नहीं, आप इसके पहले जाइए यूपी वगैरह में, एक एक नारे पे एक पार्टी बन गई और उनकी सरकार बन गई। उन्होंने 10-10 साल 15-15 साल केवल एक नारे पे, एक स्लोगन पे, केवल एक मुद्दे में जिसमें विकास का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, 15-15 साल इन्होंने किया है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो इतना बड़ा बहुमत जो आया था वो एक भावना के कारण आया था। आज से नहीं है, ये चलता आया है, इसके पहले भी आप देखिए। लेकिन अब क्योंकि ये बात बार बार उठ रही है कि ये मुद्दे कहां चले गए हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होना, 21 को वोटर्स जो है वोट डालने के लिए जाएंगे और ऐसे में उनके सामने ये बातें रहेंगी कि पार्टियां जो है बड़ी बड़ी बातें करती है। और वहां की पार्टी की बात कर ले, संजय द्विवेदी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी, क्या आप भी राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर महाराष्ट्र की बात होगी, विदर्भ की बात होगी, मराठवाड़ा की बात होगी, कोंकण की बात होगी, नॉर्थ महाराष्ट्र बात कर ले उसकी बात होगी? संजय द्विवेदी, बात करने से चुनाव ही लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है काम करने के बाद। 5 साल तो सरकार चली हम लोगों की महाराष्ट्र में, युति सरकार चली, जो महाराष्ट्र में काम किए हैं, जिसकी वजह से आज माननीय आदित्य ठाकरे जी हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं बीजेपी मदद से। दूसरी बात, जो बात, अरे सर इस पर तो आपत्ति है, क्या बात बोल रहे हैं सर, इस पर तो आपत्ति है, बीजेपी तैयार नहीं है, सीटों के बंटवारे में देखने को मिला था, क्या क्या बात कर रहे हैं सर संजय।
संजय द्विवेदी साहब, अरे सर अभी भी रेणु भाटिया यही बैठी है। श्वेता जी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गठबंधन दिखाई नहीं होगा, पूरे 5 साल इन्होंने एक दूसरे पर जूते चलाए और अभी चुनाव के समय में भी मुख्यमंत्री को लेकर इनमें मतभेद है। संजय द्विवेदी जी अभी तो इनको सिर्फ, अरे ऐसे वक्त में तो मत छेड़िए, कोई भाटिया भी बैठी है, चाहिए बीजेपी को चाहिए, शिवसेना को चाहिए, चाहे आरए में सारे पेड़ कटवा दो, चाहे सुप्रीम कोर्ट इनके जो हथियार चलाए, चाहे इनके खिलाफ पब्लिक रहे, 370 पे कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका जूतम पतला अभी इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। मतभेद दिख रहा है अभी, बीजेपी शिवसेना में मतभेद दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपका होगा, कि महाराष्ट्र की जनता जिन्हें वोट देगी वो एक दूसरे पे जूता चलाएंगे मुख्यमंत्री। अरे मैम देखिए तो संजय द्विवेदी आपके सामने ही कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे होगा, ये कैसे, ये तो ये डालमा के साथ भी है कांग्रेस वगैरह। आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव शुरू होने के पहले कांग्रेस के किन किन नेताओं ने हरियाणा में बीजेपी में, ये सारी पार्टियों का है, कुछ ना कुछ कमियां रहती लेकिन, है। लेकिन मिश्रा जी मैं आपसे यहाँ से मतलब ठीक है, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री को जिस गठबंधन में शामिल हो उसको गलत कहना, उसके गृह मंत्री को गलत कहना और फिर मुख्यमंत्री का जब तय हो जाए आपका फिर मुख्यमंत्री पे लड़ना, ये जूतम पत्री जो एक दूसरे गठबंधन, ये सारी पार्टियों में होती है और भाजपा में देखा जाए। देखिए गलत बयानबाजी, देखिए यही तो सवाल है, अगर बयान देने लगे तो देश में बदल जाए। विलय होने जा रहा है, कहां से स्टेटमेंट आया था मीडिया में, विलय होने जा रहा है, क्या कहा था शरद पवार ने, बयान फिर से सुनवा दे, क्या कहा था शरद पवार ने, नसीम खान, ये तो सभी पार्टियों का यही हाल है। मैं तो कह रही हूँ संजय द्विवेदी को, रेणु भाटिया बैठी है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आपका होगा, यहाँ बीजेपी तो कह रही है मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, सीट तो दिए नहीं सर, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आपका होगा, क्या बात कर रहे हैं सर, किसे बेवकूफ बना रहे हैं। नसीम खान सवाल आपके लिए भी है कि शरद पवार क्या कह गए, इतनी बड़ी बात कह गए, अरे संजय द्विवेदी साहब हमने तो कहा कि कॉन्ट्रोवर्शियल बाइट मत दीजिए, हमने तो कहा कॉन्ट्रोवर्शियल बाइट मत दीजिए, एक साथ है ना सर, गठबंधन है ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, चुनाव हो जाए। देखिए बहुत बैलेंस बोल रही है रेणु भाटिया, बचते हुए कह रही है कम से कम ये धर्म तो निभाइए। मैंने कहा बीजेपी के सहयोग से बनेगी शिवसेना सरकार, मैंने बीजेपी के सहयोग से शिवसेना, मुख्यमंत्री आपका होगा, आप कह रहे हैं ऐसे लड़ेंगे तो कैसे उठाएंगे चुनाव में मुद्दे, कैसे उठाएंगे सर, मुझे सूखा ग्रस्त है मराठवाड़ा। संजय द्विवेदी जी सक्षम है इस बात को, विदर्भ में किस, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता के नाते सक्षम हूँ, ये हमारे सीनियोरिटी का महाराष्ट्र में मैम, अगर किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देख ले रेणु भाटिया जी, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 10 साल बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो सूखाग्रस्त जिस तरह से इलाका है, इस बार जाके पानी बरसा है तो थोड़ा बहुत रिलीफ कह सकते हैं मिला है, लेकिन जब बारिश होती है तो सबने मुंबई का हाल देखा है, मराठवाड़ा की बात कर ले, विदर्भ की बात कर ले, कोंकण की बात कर ले, प्याज के जैसे दाम घटते और बढ़ते तब हमने हालात देखे, इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, मुद्दे जो है वो राष्ट्र के उठते हैं और ये जो कलह दिख रही है सामने में बैठ के कलह दिख रही है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन, किसे मिलेगा, अरे सर आप बोल रहे हैं कौन उठाएगा सर मुद्दे, आप बताइए किसानों की आत्महत्या, ग्राफ दिखा दो सर, सर रिपोर्ट लेके बैठे हैं, ग्राफ दिखा दो सर, सर सर ये ग्राफ भी देख लीजिए सर, सर ग्राफ देख लीजिए, किसान इतने जो आत्महत्या कर रहे हैं, 5 साल में क्या किया आपने, 5 साल में क्या किया, सरकार नहीं थी, मौका नहीं था आपके पास, क्यों बात नहीं करते हैं कि किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है सर ढंग से, किसानों का ऋण माफ करने के लिए कौन बात करेगा, आप अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर को मांग करते कि भारत रत्न दिया जाए, कि इन्होंने सर सरकार आपकी है भगा दिए गए, वो भारत पूरे साबित हो, अगर शिवसेना भाजपा ने मिलकर ही काम किया है तो इसमें गलत तो कांग्रेस को इसमें वो कह रही है कि नहीं करना चाहिए, एक विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ये जो पार्टी की लड़ाई है राज्यों में गठबंधन को लेकर दिखती है, इसमें भी कहीं ना कहीं रेणु भाटिया जी, मैं अपनी तरफ से कोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुद्दा उठेगा मुख्यमंत्री की बात पर शिवसेना अडिग है,
देखिए बीजेपी और शिवसेना दोनों में भी इनमें भी डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये डिस्प्यूट को बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लेते हैं, डैमेज कंट्रोल इनका अच्छा है। विपक्ष में जो डिस्प्यूट होता है वो होते पहले तो वो मिले होते हैं, वो डिस्प्यूट होते होते इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो एक नहीं हो पाते हैं और अपनी ही पार्टी का जो इंटरनल डिस्प्यूट होता है वो भी उनको डैमेज कर जाता है। इसका फायदा देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीति में किसी एक पार्टी का कमजोरी जो होता है वो उनके विपक्ष का उनके राइवल के लिए सबसे बड़ी मजबूती होती है। जो आपने बोला कि विपक्ष बहुत बटा हुआ है, बड़ा कमजोर है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? बीजेपी को मिलता है, और नेचुरल फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं जीत में एक बहुत बड़ा कारक यह है कि विपक्ष यूनाइटेड नहीं है या बड़ा कमजोर है। नो मैटर, मैं इस चीज को भी मानता हूं कि हर चुनाव विपक्ष के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन केवल अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रेटजी चाहिए। बीजेपी इस चीज में भी बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ विपक्ष की किसी पार्टी से, तो इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है। श्वेता जी, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं विपक्ष से बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इनको इनका केंद्र में प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया है, आज प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन, क्यों नहीं बन पाया भाई? अरे सर, विपक्ष का नेता आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुद्दे कौन डिस्कस करेगा। शिवसेना अगर महाराष्ट्र में उन मुद्दों को नहीं छुएगी जिससे जनता का सीधा सरोकार है, तो कौन छुएगा? संजय जी, कौन छुएगा? सरकार तो आपकी बन भी जाएगी, लेकिन जनता के दिलों पर राज कैसे करेंगे सर? बीजेपी तो विपक्ष इसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। चुनाव हारने के कारण कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विपक्ष रहा है, इस वजह से लोगों को लगता है विपक्ष कमजोर है लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, आप जिस बात को कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे कौन छुएगा, अभी हमारे नेता राहुल साहब जी, थोड़ा मैं बोल, विपक्ष मजबूत है लेकिन बिखरावट ही उसकी कमजोरी है। श्वेता जी, अभी हरियाणा के अंदर रैली हुई, राहुल गांधी जी एक अकेले नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा मन की बात नहीं, काम की बात करना। आपके पास और नेता की बात की, किसान की बात की, राहुल गांधी पहले लाए हो गए हैं और चार बिहार का नाम आता है, आप भेज रहे हो राहुल गांधी ने चार बिहार का नाम आता है, नेताओं के नाम हो जाते हैं और उसके बाद हरियाणा के चुनाव पर, हरियाणा चुनाव पर नसीम खान आपसे पूछेंगे। चुनाव राज्यों के मुद्दे राष्ट्र के। अब अगर बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो स्ट्रैटेजी बीजेपी की जो है वो ये है कि 370, तीन तलाक हो, आतंकवाद हो, इन तमाम मुद्दों पर उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। और अगर ये स्ट्रैटेजी है भी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आम टॉपिक पर ना बात करके इस पर बात करना चाहें। लेकिन विपक्ष, अगर दोनों जगह हम बात करें तो दोनों जगह विपक्ष में बिखराव देखने को मिल रहा है, और विपक्ष जो है उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब इसका पॉलिटिकल बेनिफिट किसको मिलेगा? तो क्या मुद्दे गौण हो रहे हैं चुनाव, राज्यों के चुनाव में राष्ट्र के मुद्दे अब हावी रहेंगे? और क्या विपक्ष के पास भी यह रोल नहीं बचता है कि वो राष्ट्र के मुद्दों से ध्यान खींचकर जनता का उन ओर लाए जिससे सीधा सरोकार जनता का है, वहां के राज्यों की जनता जुड़ी हुई है? नसीम खान, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि विपक्ष कमजोर है, बिखरा हुआ नहीं, हरियाणा में क्या हुआ सर? ये जो इतना धरना प्रदर्शन, इतने धड़े देखने को मिले, मतलब कितने धड़े हैं, और उसके बाद आखिरकार हुआ क्या? टिकट बिक गए, ये हो गया, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुडा, कितने में डिवाइड है सर, ये धड़े तवर तो चले गए, छोड़ दीजिए उनको, बाहर ही जाके चीखने लगे। चुनाव से पहले जब चुनाव में टिकट बटते हैं हर पार्टी के अंदर, क्या महाराष्ट्र से बीजेपी की तस्वीरें नहीं आई? कांग्रेस वाले तो ज्यादा चले गए सर टूटते हुए, ये होता है और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, गलत चीज को आप स्वाभाविक प्रक्रिया मान्यता दे रहे हैं, लेकिन आप कंडेम करिए किसी भी पार्टी का, ये मुश्किल यही है सर नसीम खान, मुश्किल यही है कि आप मानते नहीं है, और इसका फायदा रेणु भाटिया उनकी पार्टी उठाती है सर। हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया कह के, स्वाभाविक प्रक्रिया कह के आप, हमारी अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, आगे बढ़ रही है हमारी पार्टी, दिलबाग ने मुद्दों की बात कर रही है, हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में, दिलबाग ने, हरियाणा में कांग्रेस,
कांग्रेस जिस तरह से साफ हो रही है, जिस तरह से धड़ों में बटी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं किसानों की बात कौन करे, कांग्रेस ने क्या कुछ किया, बीजेपी ने क्या कुछ किया, कांग्रेस ने क्या कुछ किया, दिलबाग ने किसानों का कर्जा माफ किया तो कांग्रेस ने क्या, मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया गया, एक मिनट सुन लीजिए सर, वहाँ की पार्टियाँ कुछ कह रही है सुन लीजिए, उनके लिए तो वो मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं, दिलबाग नैन आप लोगों के लिए तो लोकल मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। यहाँ जनता को गुमराह मत कीजिए दिलबाग मैन, क्योंकि आप लोगों के लिए तो अहम हो जाते हैं लोकल मुद्दे, क्या लोकल मुद्दे उठा रही है बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं नहीं नहीं बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में उठाने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने 5 साल के अंदर जो हरियाणा की जनता को चूसा, जो लूटा, आज उनको जवाब देने के लिए नहीं है, आज अगर उनके पास जवाब है तो मैं आप सुनिए, एक एक पॉइंट सुनिए, आप आज आप अगर आप सुनने की कैपेसिटी है तो आप सुनने की कोशिश करिए, वो वादे भारतीय जनता पार्टी के कहां गए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 1 साल के अंदर हम 2 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां बनती है, और ये बात करते हैं बात हरियाणा से बात के लिए जो नौकरी लगाते हैं कैसी बातें कर रहे, अरे भाई सुनने के लिए रखिए, अपने लोकल मुद्दे लोकल नेता, अगर लोकल मुद्दे बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकार दिया, बिल्कुल हरियाणा की जनता ने नकार दिया, और जननायक जनता पार्टी जो है वो अब सरकार 24 तारीख का इंतजार तो कर लीजिए, 24 साल का युवा दिलबाग नैन साहब 24 तारीख का इंतजार कर लीजिए, सवाल मेरा ये था आपसे दिलबाग नैन साहब, सवाल ये था कि आपके लिए हरियाणा चुनाव इतना मैटर तो करता है कि लोकल मुद्दे आप तो कम से कम उठाए, बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्र स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन आपके लिए हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में लोकल मुद्दे क्यों उठा नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्यों बीजेपी 75 पार का नारा दे रही है और वहीं पर आतंकवाद और 370 और पाकिस्तान को हमने इंकार करा रही है, लोकल मुद्दे हमने कौन से नहीं रखे, हमारा आप घोषणा पत्र पढ़िए, घोषणा पत्र में हमने घोषणा पत्र सर कोई जनता नहीं पढ़ती, घोषणा पत्र वो बटन दबाने से पहले कोई घोषणा पत्र नहीं पढ़ती, आपका तो काम परिवार पत्र से शुरू होता है और चुनाव खत्म हो जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा आप जनता नहीं सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो हरियाणा में है, वो मुद्दा हम उठा रहे हैं, हरियाणा में नौकरी जो है स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, स्थिति क्या थी, मुखिया कहाँ पड़े हैं, ठगी क्राइम रेट में मान सकती हूँ लेकिन स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, मैं रोजगार के मुद्दे पे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, आप माने या ना माने आंकड़े यही कहते हैं, हम लोगों ने पारदर्शिता से जितना भी रोजगार दिया थोड़ा दिया ज्यादा दिया पारदर्शिता से दिया, कोई ये नहीं कह सकता आपके मुखिया की तरह झेल कसीदे नहीं कर सकते हम, जनता एक ही मिशन मान कर पानी मिला अल्टीमेटली होगा।
ये जिस तरीके से बातें हो रही है, एक मिनट दिलबाग नैन साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिश्रा जी, यही यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक जो पार्टी है जो दोनों जगह सत्ता में है और पहले केंद्र में भी सत्ता में है, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सरकार है, अब ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसे दोबारा रिपीट करना है और उसने काम भी किया है, तो वो काम हालांकि उस लेवल तक का काम नहीं हुआ, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं निभाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल मुद्दे जो उन्होंने काम किया है, इन दोनों को कहकर बातें कर वो शायद सत्ता में रिपीट होना चाहे, लेकिन ये जो बिखराव कांग्रेस हो चाहे लोकल पार्टियां, हम देख ले कि जिस तरीके से इन्हें मुद्दे उठाने चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं विफल रह रही हैं उन मुद्दों को इनकैश कराने में। शिवसेना भले बीजेपी के सपोर्ट में है, गठबंधन में है, लेकिन शिवसेना को भी क्या उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जो वहां के महाराष्ट्र के लोकल मुद्दे हैं? वो भी कह रही है 370 पर, अगर बीजेपी कह रही है तो क्या गलत कह रही है? नहीं देखिए मैम, मैं बताऊं, जब भी स्ट्रेटजी बनती है ना तो मिक्स होता है पूरा, ऐसा नहीं। अब चूंकि बीजेपी नेशनल स्तर की पार्टी है तो उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर उन्होंने बिहार में या यूपी में कोई अच्छा काम, आप इलेक्शन को याद करिए 2014 को, मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखा के पूरा देश जीत लिया। तो जब आप नेशनल लेवल पे होते हैं तो ये फायदा होता है। बीजेपी ने इसकी भी बात कर लीजिए सर, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बालाकोट यानी पाकिस्तान में जो चीजें हुई है उसको दिखा के जीत लिया। इमोशन हाई पे रेणु भाटिया, रेणु भाटिया जी आप मानेंगी, एक तरफ स्ट्रेटजी अलग हो रही थी, लोग भी उसी तरह की भाषा बोलते हैं। नहीं कोई भाषा नहीं, अरे देखिए रेणु भाटिया जी, अच्छा ये बात मानेंगे मैम, अगर आप मजबूती होती है और ये विपक्ष की कमजोरी है। अब विपक्ष की कमजोरी मैंने बोला, जाकर दूसरे देशों में भी इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं, वो अपनी झूठी समझ नहीं पा रहे ना, इसके बाद दूर प्रॉब्लम है। अपनी रणनीति बहुत होशियारी से बनानी पड़ेगी कि कैसे वो लोगों के चाल में फंसने से बचे, कैसे डेंट को, कैसे अटैक को मैनेज करें। दो चीजें देखना है कि जो बीजेपी अटैक कर रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे, सेल्फ डेंट को कैसे करेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर आप बीजेपी के ऊपर यूएसपी क्या देंगे, एडिशनल क्या देंगे, आप जब आएंगे छोटे हैं या बड़े हैं एडिशनल बेनिफिट कैसे देंगे, ये सारी चीजें देख करके दो तीन स्तर की, चार स्तर की स्ट्रेटजी ये बनती है बीजेपी। इसमें देखिए बीजेपी का अभी जिस हिसाब से इनका राज्य है सब जगह ना, ये तो झारखंड में भी कोई बढ़िया काम हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, हर जगह एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनके बकेट्स में बहुत सारे जो है चीजें हैं जो बताने के लिए। शिवसेना की बात मैं और कर लूं, देखिए बीजेपी और शिवसेना की आइडियोलॉजी इतनी क्लोज है ना, ये भले रोज लड़े लेकिन ये लड़ाई घर की है, कोई भी जीतेगा अल्टीमेटली, मतलब दोनों एक रहेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, साथ नहीं छोड़ेंगे, डिस्प्यूट है वो मीडिया में आते रहेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे का अस्तित्व तो दोनों से है। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को चाहिए तो शिवसेना चाहिए, बीजेपी को अपना अस्तित्व तो चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मिश्रा जी, तो ऐसा ही तो कांग्रेस और एनसीपी के हाल है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आती है मीडिया में कि एनसीपी में विलय हो रहा है, एनसीपी का विलय हो रहा है, फिर शरद पवार का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात कह गए शरद पवार। हाल दोनों का एक है लेकिन कांग्रेस और एनसीपी बड़ी कमजोर है, वहां पे वो लोग बड़े मजबूत हैं दोनों लोग। आप देखिए इनके वादों से देखिए, इनके इरादों से, इनके टास्क को देखिए। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए एनसीपी और कांग्रेस में कौन कौन से लीडर स्टार प्रचारक है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस से राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, क्या कोई लोकल लीडर नहीं है, जिला स्तर पे लीडर नहीं है? जो थे संजय निरूपम मुंबई के, उनका हाल आपने देख लिया, तो पहले ही दिख गई। तो जो जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं ना कि सामने सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन है लीडर कैसे बचाए, मैं बीजेपी चौतरफा जो वार कर रही है उससे बचा कैसे जाए? नसीम खान ने इनको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे लीडर बचाए। ये स्टार प्रचारक को उतारे, स्टार प्रचारक का नाम आता है, राहुल गांधी छुट्टी पे चले जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं सर, जनता की समस्या कब सुनेंगे? भी हमारी एक लंबी लिस्ट है जो कि आपके सोशल मीडिया पे और आप लोगों को भी मिल चुकी है। कौन गया अब तक हरियाणा में बता दीजिए, कौन आए राहुल गांधी के अलावा, उनको भी लोगों ने नकार के बहन जी मुझे बता दीजिए, आपके जो प्रवक्ता मोदी अब चुनाव लड़ रहे हैं जिनको जीत में शिकस्त
इसका मतलब ये नहीं है उनको दोबारा चुनाव में उतारने का। वही सवाल, मजा मुझे ये बात सुनने में आता है। अरे बीमारी क्यों, आप लोगों को डिबेट बोलने के लिए आए, आपकी शक्ल देखने के लिए थोड़ी आए, चुप बैठने के लिए थोड़ी आए, ऐसे आप बोलने के लिए आए। आप डिबेट करते हैं जब हम बोलेंगे, कांग्रेस के लोगों को बोलने नहीं देंगे, वो मोदी जी आपको राष्ट्र में भेज देंगे। आप बोलती तो नसीम खान जी बोलवा लीजिए, नहीं मैं उनसे आऊंगी। देखिए श्वेता जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कमजोर है देश के अंदर, हम अपने संगठन को लेकर के इस टाइम संजीदा और मजबूती से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहाँ मुद्दों की बात है, कांग्रेस पार्टी 2014 से जब से चुनाव हारी है और उसके बाद जितने राज्य को राष्ट्र के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी ने एक ही बात की है कि नरेंद्र मोदी जी जो राज्य को चुनाव में नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी के बाद अच्छा है, नोटबंदी के बाद तीन कारण गिनवाए गए थे कि नोटबंदी से आपकी जो है फेक करेंसी छपना बंद हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, दोनों चीज खत्म नहीं हुई। उसके बाद 370 के बाद कहा था कि पूरे कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर शांत है। आज भी कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाएं हो रही है और अब अफसोस की बात यह है कि कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाएं ना होकर के पंजाब से आतंकवाद पकड़ा जा रहा है, कभी दिल्ली के अंदर घुस रहा है, ये क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी जवाब दे। लेकिन ये हरियाणा, ये हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव है। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कहा, मैं मन की बात नहीं काम की बात करना चाहता हूं, किसानों की बात कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर 12% बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए और एक अभी एसडीओ का फरमान है। आप हरियाणा के और महाराष्ट्र के किसानों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस किसान के पास दो भैंस से ज्यादा भैंस है उसका कमर्शियल मीटर लगेगा। अगर किसान के यहाँ कमर्शियल मीटर लगेगा जिसके घर पर दो भैंसों से ज्यादा है, मोदी सरकार है, किसानों को लूट करने में मौजूद है, बच्चे बलात्कार के बाद आज हत्या कर रही है, ये कैसी सरकार है? आपने इनके गृह मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, आप अनिल विज का हरियाणा का जो विधायक है मंत्री अनिल विज वो कह रहा था नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर। खट्टर ये कह रहे हैं, कैसे माफ करेंगे? सोनिया गांधी के बारे में आप सब कह रहे हैं, खट्टर इस बात को कहे, खट्टर कह रहा है अरे चुनाव ये आप नसीब नहीं है, ये आप राजनेता है, आप क्या हो? सरकार बनाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। अब आप सरकार बनाइए, आप लोगों को बोलने दिया, आप लोगों की परेशानी है, कांग्रेस बोलती है परेशानी। हमने तो सवाल पूछा, जीतने का कौन सी योजना, छोड़िए अब मुझे, आपने पिछली बार भी 72 हजार रुपए दे करके एक प्रयोग किया था, वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि आपने दिया ना फ्री में 72 हजार रुपए 2019 के चुनाव में, तो दीजिए 72 हजार बिजली हिंदुस्तान बालाकोट रेणु भाटिया राम मंदिर इन मुद्दों पर जब तक ये लोग रहेंगे, आप ही का मुद्दा बोल रहे हैं, ये लोग रहेंगे, ये जीते रहेंगे, रहेगी अरे नसीबदार रहेगी, आप बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, अरे आप लोग चिंतित नहीं है? हरियाणा के अंदर मारुति की फैक्ट्री करसो बार बंद हुई है, आप चिंतित नहीं है? बीजेपी आप चिंतित नहीं है? लाखों लोगों की नौकरी, आप चिंतित नहीं है? हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पे, आप चिंतित नहीं है? आप सरकार का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे करके क्यों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रधानमंत्री सरकार कर लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध दर्शा रहे हैं, आप क्यों नहीं आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करते हैं, मालिश करवा रहे हैं, आए ये बैठ के बात कर रहे हैं, लोगों की अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पाकिस्तान पाकिस्तान से मिलकर आप हिंदुस्तान के अंदर भी खुलने वाला इमरान के दोस्तों नवाज शरीफ के दोस्तों इमरान खान के डिबेट है सर, ये आपका मंच नहीं है सर कि राहुल गांधी केवल जाजा के स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठ कर प्रचार कर रहे हैं। नहीं सर माफ कीजिए, आपने बोल लिया नहीं मेरे बीच में जब आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप मैथमेटिक्स नहीं समझा पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यही चीज आप चुनाव में अपना लीजिए ना,
कि जब जब ये जीतेंगे आप इनको जीतने नहीं देंगे, वहां हो जाते हैं, यहाँ आप चिल्ला रहे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करिए, उससे भला होगा। एसी रूम में कुछ नहीं होने वाला है। जवाब दीजिए। हरियाणा महाराष्ट्र के किसान जो आत्महत्या नहीं जीतने देंगे। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। एक बार मैं बोल लूं कंटिन्यू। मुझे ताज्जुब है कि इतनी सीख अगर इन्होंने राहुल गांधी को दी होती, वो जैसे इनके खुद के नेता बोलते हैं कि मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता। एक मिनट, आपने कहा खत्म हो जाती है, बताइए मोदी को भी याद कर, मोदी के लिए आप बैठे हो, मोदी के लिए आप बैठे हो, आपके बॉर्डर पर अब नहीं बात आकर के तांडव करता है और उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। कल एक करवा चौथ पे मेहंदी लगाती महिला के ऊपर मारा गया। नसीम साहब भूल गए कि इतना चिल्लाने से डिबेटों में राहुल गांधी इनको अध्यक्ष बनाने वाले नहीं है, वो अपनी माँ को ही अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि वहां पर माँ बोलते कि अध्यक्ष पद ही चलती है। रही बात हरियाणा की, आप अभी बातें कर रहे थे, खट्टर ने ऐसे बोला, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, खट्टर साहब, खट्टर जी, अपने कम से कम मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को राहुल वाली स्ट्रेटजी मत अपनाइए कि जो राहुल गांधी जी अपने मनमोहन सिंह का कागज फाड़ दिया करते थे मीटिंग में, ऐसी स्ट्रेटजी मत अपनाइए। दूसरी बात, आप हरियाणा की बातें करते हैं, यदि आपके अंदर दम होता और आपने कुछ किया होता अपने 10 सालों में, तो कम से कम लोकसभा चुनाव में हमारी वो विफलताएं गिनवाते जो हमने की, लेकिन जनता ने आपकी एक नहीं सुनी। जनता ने देखा 53 वर्षों तक देश को बर्बाद किया, 10 वर्षों तक लगातार हरियाणा को बर्बाद किया, इनकी और कौन सुनेगा? क्राइम के रेट के बारे में क्या बात करेंगे? क्राइम की बात कीजिए। 633 मामले बलात्कार के दर्ज हुए 5 सालों में। एक मिनट में, 470 वारदातें जो है हत्या की दर हुई है 5 सालों में। तीन सबसे ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद, ये तो नंबर वन बन गया है मैम 5 सालों में। इतने ज्यादा क्राइम का लेवल और नशाखोरी, दो ऐसे मुद्दे हैं। This is, you know, people are misfed, miscommunicated. मैं आपको बताती हूँ, उसी के ऊपर बता रही हूँ। ये आपने जवाब दिया है, जो आपके पास करण सिंह दलाल के बयान में बीजेपी ने जवाब दिया है। सुनिए ना श्वेता, जो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में है, 2, 4, 6, 10 आंकड़े इधर उधर हो सकते होंगे, मैं उन्हीं के ऊपर बात करती हूँ। पहले क्या था कि पहले कोई भी थाना चौकी ऐसी जगह नहीं थी जहां महिला जाकर अपनी बात रख सकती थी, कुछ हिचके मारे और कुछ दबाव के मारे। आज हरियाणा सरकार ने 33 महिला थाने खोले पूरे हरियाणा में, 22 जिलों में और 10 थाने सब जिलों में खुले हैं, नजदीकी क्षेत्रों में जो मेन थाने से थोड़ा दूर पड़ते हैं। उनकी वजह से क्या हुआ, आज महिला के साथ कोई परेशानी होती है तो तुरंत प्रभाव से वो महिला वहां जाकर बेझिझक अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। पहले ये रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी, इसलिए पिछले अगले सारे केसेस जब जब भी हुए, आप तारीखें भी गिनेंगी तो कोई 2 साल पुराना केस निकलेगा, कोई 4 साल पुराना निकलेगा, कोई 6 साल पुराना निकलेगा, ऐसे केसेस भी आपके साथ निकलेंगे, क्योंकि मैं डील करती हूँ उन केसेस से, पानी की पर्सनली डील करती हूँ पानी की समस्या। सॉरी, पानी की समस्या के लिए क्या कहना? हाँ, पानी की समस्या, मैं आपको 6804 गांव है हरियाणा में, जिसमें राज्य में 127 आप देखें कि जब से ये कस्सी फावड़ों वाला ड्रामा खत्म हुआ है, तब से भी अगर आप गिने इस 1.5 साल के अंदर, तो हर गांव की टेल तक पानी पहुंचा है। मे भी बहुत सारे स्थान रह गए हो जहां तक नहीं पहुंच पाया, तो 2022 तक हमारा वादा है कि हर क्षेत्र तक पानी पहुंचेगा और हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचेगी जहां कहीं कमी रही है, परंतु 18 घंटे पानी बिजली कहां तक मिल रही है मैम? 4000 गांव में रेणु पांडे जी, अगर बिजली नहीं पहुंच पाती है, केंद्र में भी सरकार अभी तक में भी है, दादू नलवी नहर कर रहे हो? नहीं नहीं, 4000 गांव में आंकड़ा सही नहीं है, 4000 गांव में रहते हैं, कुछ क्षेत्र रहते हैं जहाँ पहुंची है और कुछ ऐसे जहाँ पर 18 घंटे चल रही है। ऐसा नहीं, आप आंकड़ा गलत बता रहे हैं, ये आंकड़ा गलत है। आप थोड़ा सा, पहले रेणु जी, पहले हरियाणा के ऊपर जो कर्ज था
पर पर्सन कितना था, आप देखिए कितना आपने बढ़ा दिया, 70,000 पर पर्सन आज कर्ज है हरियाणा के ऊपर, आप देखिए दुगने से अच्छा, क्या आप कर्जे और इन चीजों की बात करेंगे। हालांकि नहीं निकल सकता डिबेट में, कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दिलबाग नैन साहब वक्त की कमी है, लेकिन हमारा आज आज ये टॉपिक उठाने का के पीछे हमारी मंशा यही थी कि राज्य के मुद्दों में राष्ट्र के मुद्दे हावी क्यों हैं, और अगर बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है क्योंकि दोनों जगह इनकी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो वहां की पार्टियां और जो दूसरे विपक्ष है उसमें इतना बिखराव क्यों नहीं लोकल मुद्दे उठा पाते। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी एके मिश्रा आपसे, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी सर, टाइम बहुत कम है। देखिए मैंने आपको बताया कि चुनाव एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। विपक्ष की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने राइवल के रणनीति को समझना नहीं, कमतर करके आप आंकना, अगर आप समझ गए तो उस हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, इसी के कारण वो हारते चले जा रहे हैं। जहां इन्होंने अच्छे से काम किया, पब्लिक ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मैं फोकस करूंगा कि हर इलेक्शन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सर आप इंप्रूव करिए अपने आप को, आपका राइवल आपके अगेंस्ट में बहुत मजबूत है। नसीम खान क्लोजिंग कमेंट। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ छोटा सा यहाँ क्राइम की बात की आपने, नहीं नहीं छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, हरियाणा महाराष्ट्र क्या मुद्दे टच करेंगे हरियाणा महाराष्ट्र में? बिल्कुल हरियाणा महाराष्ट्र में कोई, कोई पार्टी अगर जो लोकल मुद्दों को करेक्ट कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। रही क्राइम की बात, हरियाणा और महाराष्ट्र के क्राइम को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का जो है दिल्ली से ले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जनता ने हम पर लोकसभा में भी विश्वास किया, सब चुनाव में भी विश्वास किया हरियाणा के, और अब विधानसभा में भी दोबारा करेगी, क्योंकि इन 5 सालों में जनता ने देखा है कि जितना हमें कूड़ा करकट मिला था संभालने को, हमने उसको हटाकर एक स्वच्छ राजनीति का सिस्टम अडॉप्ट किया है, और हम 75 पार के नारे की वजह से हम बाहर निकल तो ये कह सकते हैं। अभी ये जनता के ऊपर ही हम छोड़ देते हैं कि जनता ही डिसाइड करे, क्योंकि 21 तारीख वो दिन होगा जब जनता के हाथ में ये अधिकार होगा कि कैसे वो किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट करे और किसे वो नकार देती है। 24 को हालांकि पता चल जाएगा, लेकिन दायित्व सभी पार्टियों का बनता है कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए जाए और क्षेत्र से जुड़ा हर वो बात किया जाए कि जनता से सीधा सरोकार जिसका जुड़ा होता है, क्योंकि जनता जो है उन्हीं मुद्दों पर आपको वोट करेगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसी ने धारा 370 हटाने की हिम्मत नहीं। किसानों की समस्या की बात कब करोगे? मैं शस्त्र पूजा में ओम न लिखता तो मुझे क्या लिखना।